हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। स्टडी स्पेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि हम मध्य प्रदेश जीके के लिए एक सीरीज चालू करने वाले हैं, एक फ्री कोर्स चालू करने वाले हैं, जिसमें हम एमपी के प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सभी टॉपिक्स कवर करेंगे। तो उसी सीरीज़ का हमारा फर्स्ट यूनिट है मध्य प्रदेश एट अ ग्लांस। इस यूनिट में करीबन 6 या 7 चैप्टर्स होंगे और 6 या 7 चैप्टर्स में से ये फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे एमपी का। इस जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी का जस्ट एक इंट्रोडक्शन है इस वीडियो में। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है इंडस्ट्री एंड मिनरल्स, एग्रीकल्चर, इरीगेशन एंड पावर, डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, ट्रांसपोर्ट, टूरिस्ट प्लेसेस एंड फाइनली रिवीजन। ये सब चीज़ें सब्सिक्वेंट वीडियोस में आती रहेगी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारा ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है और आप इसी कोर्स में आगे और भी वीडियोस चाहते हैं तो आपको कमेंट करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही बेसिक बातें। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट्स में लिख के देना है। एमपी, जैसा कि हम सब जानते हैं, सेकंड लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है इन टर्म्स ऑफ साइज। एमपी की जो साइज है स्क्वायर किलोमीटर्स में, ये आपको याद होनी चाहिए, या फिर क्षेत्रफल जो है वो आपको याद होना चाहिए, वो है 308,252 स्क्वायर किलोमीटर्स। एमपी इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चरल लेगेसी। ये बात हम सब जानते हैं कि एमपी को हार्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, और एमपी सही मायने में जो इंडिया का कल्चर है या इंडिया का जो हेरिटेज है उसका एक बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्शन है। एमपी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करती है। एमपी एक लैंडलॉक स्टेट है। लैंडलॉक स्टेट मतलब होता है जिसकी कोई इंटरनेशनल बाउंड्रीज नहीं हो। एमपी का जो फॉरेस्ट एरिया है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया मैक्सिमम है सभी स्टेट्स में। अराउंड 31% ऑफ द टोटल लैंड जो है एमपी का वो फॉरेस्ट में ही कवर है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। एमपी एकमात्र डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट है। डायमंड जो जनरेट होता है ये रीवा पन्ना में जो माइंस है वहाँ पे डायमंड प्रोड्यूस होता है, और एमपी इंडिया में एकमात्र ऐसा स्टेट है जो डायमंड प्रोड्यूस करता है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया एमपी पे बहुत सारे लोगों ने रूल किया। सबसे पहले एमपी में सेंट्रल इंडिया के नाम से जाना जाता था। सेंट्रल इंडिया में बहुत सारे आसपास के छोटे छोटे स्टेट्स थे, छोटा नागपुर, फिर ये राजस्थान का कुछ कवरेज था। तो इस एरिया में सबसे पहले 300-500 AD में गुप्ता एम्पायर का राज था। गुप्ता एम्पायर के राजा थे सम्राट अशोक, जिन्हें अशोका दी ग्रेट भी बोला जाता था। तो उन्होंने अपनी जो राजधानी है वो उज्जैन को बनाया था। उज्जैन का उस टाइम पे नाम था उज्जैनी। उसके बाद जब गुप्ता एम्पायर कोलैप्स हुआ फिर आए मुस्लिम्स ने 11th सेंचुरी में 11वीं शताब्दी में सेंट्रल इंडिया में अपने कदम रखे। सबसे पहले महमूद गजनी नामक एक लुटेरा, ये सचमुच सिर्फ एक लुटेरा ही था, ये इंडिया में बहुत बार आया, बहुत सारे इन्वेजन्स किए इसने, बट कभी भी इसको इंडिया में रहने की इच्छा नहीं थी, ये बस आता था इंडिया को लूट के चला जाता था। तो महमूद गजनी नामक एक इन्वेडर जिसने सबसे पहले 11th सेंचुरी में सेंट्रल इंडिया में कदम रखा। उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर थे वो है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी एक्चुअल में दिल्ली सल्तनत से अपॉइंटेड एक नोबल थे जिनने फाइनली खुद को बाद में इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था और फिर एमपी या फिर सेंट्रल इंडिया वाला जो रीजन है उसमें रूल किया। मोहम्मद गौरी के बेटे थे बाज बहादुर। ये जो मांडू का किला या मांडवगढ़ फोर्ट जो आपने सुना है, बाज बहादुर बहुत टाइम तक वहीं पे ही
उसी जगह पे ही उसको अपने उसने राजधानी बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट आए मुगल ने ही बाज बहादुर को हराया और सेंट्रल इंडिया पे अपना कब्जा जमा लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, मुगल की जो ताकत है, मुगल के जो रूलर्स हैं, जैसे औरंगजेब की डेथ हुई थी 1707 में, उसके बाद से मुगल जो राज्य है वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था, क्योंकि कोई भी लीडर नहीं था अच्छा। तो उसके बाद धीरे धीरे जो एमपी रीजन है वहाँ पे मराठाओं का राज हुआ। मराठास की जो पावर है वो काफ़ी हद तक बढ़ गए थे। मराठास में आते हैं जैसे होलकर, सिंधिया, ये सारे लोग मराठास में आते हैं। तो आफ्टर मुगल, सेंट्रल इंडिया वॉज रूल्ड बाय मराठास। इट वॉज ऑलमोस्ट एंडेड आफ्टर द डेथ ऑफ मधोजी सिंधिया इन 1794। ये ग्वालियर के राजा थे। अभी भी आपने सिंधिया का नाम तो सुना ही होगा, तो ग्वालियर रीजन में पूरा इन्हीं का ही राज था। जिसके बाद जो पूरा सेंट्रल इंडिया है वो स्प्लिट हो गया छोटे छोटे किंगडम्स में, छोटे छोटे स्टेट्स में, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज जब आए तो उन्होंने ये देखा कि इंडियंस तो ऑलरेडी अपने आप में लड़ भिड़ के एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं, तो इन पर राज करना काफ़ी आसान है। उसी चीज़ का बेनिफिट मिला था उनके इनिशियल ईयर्स में, जब अंग्रेज़ों ने अपना अधिपत्य जमाना चालू करा था। एमपी के कुछ बहादुर वीरांगनाएं हैं जिनमें रानी दुर्गावती का नाम सबसे पहले आता है। ये एक गोंड रानी थी। दुर्गावती जो रानी है वो जबलपुर एरिया में उनने काफ़ी टाइम तक राज किया था। उनके हस्बैंड थे दलपत शाह, ये नाम एक बार आप और कंफर्म कर लेना, जिनकी आकस्मिक मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती के बेटे क्योंकि बहुत छोटे थे तो उन्हें राजगद्दी संभालनी पड़ी थी। उसके अलावा अहिल्याबाई होलकर इंदौर की और एक और गोंड महारानी कमलापति, ये सारी ऐसी वीरांगनाएं हैं जिनके कारण एमपी का आज भी बहुत नाम है, और इन सभी ने समय समय पर एमपी पे राज किया है। एमपी आज़ादी के बाद 1 नवंबर 1956 में सीन में आया था, जिसको हम एमपी के नाम से जानते हैं। वो एक्चुअल में 3-4 अलग अलग स्टेट्स का पार्ट है मिला के, और फाइनली जिस एमपी को हम अभी जानते हैं एट प्रेजेंट, वो 1 नवंबर 2000 में बना था रीऑर्गेनाइज होके, जिसमें छत्तीसगढ़ अलग राज्य घोषित कर दिया गया था। ज्योग्राफिकली एमपी को टोटल 5 जो स्टेट्स हैं वो सराउंड करते हैं। अगर हम सबसे पहले नॉर्थ से बात करें तो नॉर्थ में है यूपी, फिर उसके बाद अगर हम ईस्ट में आ जाएं, ईस्ट आप समझते हैं, ईस्ट में है छत्तीसगढ़, ये रहा ईस्ट वाला हिस्सा। उसके बाद अगर हम साउथ में आए तो साउथ में है महाराष्ट्र, और उसके बाद फाइनली जब हम वेस्ट में हैं तो वेस्ट में गुजरात और राजस्थान, ये दोनों मिलके एमपी को सराउंड करते हैं। जैसा कि आप एमपी का यहाँ पे मैंने एक मैप बनाया हुआ है, अगर आप मैप को प्रॉपरली थोड़ा समझें तो ये एक रफ मैप है जिसमें एमपी के डिविजन्स बताए गए हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो डिवीज़न के हिसाब से होता है, तो एमपी में टोटल 10 डिवीज़न है जैसा कि आप देख सकते हैं। वो 10 डिवीज़न के नाम कुछ इस प्रकार है: चंबल, ग्वालियर, भोपाल, अहमदापुरम, इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, शहडोल और जबलपुर। तो ये सभी 10 डिवीज़न्स मिला के टोटल 52 ज़िले हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में जब एमपी ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये सारा जो भी बेसिक डिटेल था इस वीडियो में जो मैंने कवर किया वो सब समझ आया होगा। अब टाइम है क्वेश्चन का। मैंने ड्यूरिंग वीडियो मांडव के किले की बात करी थी, तो आपको ये बताना है कि मांडवगढ़ फोर्ट में काफ़ी समय तक किस राजा ने राज्य करा और किस राजा को फाइनली मुगलों ने हरा कर मांडव किले पे अपना आधिपत्य जमाया था। तो ये आपका क्वेश्चन है। बाकी इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो एज़ पर योर रिस्पॉन्स पार्ट्स में आएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम होपफुली इंडस्ट्री एंड मिनरल्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड पावर तक का पार्ट कवर करेंगे। तो ये आपके लिए हैंड रिटन नोट्स भी है, प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मेंस में इन सब चीज़ों पे बेस्ड
तीन मार्क वाले क्वेश्चंस जरूर मिल सकते हैं आपको। तो जैसे चैप्टर ख़त्म होगा उसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये पूरा का पूरा जो वीडियो है आपको अच्छे से समझ आया होगा। जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसके आप जवाब जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन में एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि कौन से राजा ने मांडवगढ़ किले को अपनी राजधानी बनाया था या मांडवगढ़ में अपना आधिपत्य जमाया था, और किस राजा को हराने के बाद मुगलों ने वहाँ पे राज किया था। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन के जवाब बताने हैं। जिसे पता होगा उसे दोनों के जवाब देखते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पे बेस्ड जो भी आपकी क्वेरी है आप वो भी बता सकते हैं। जल्द से जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।